माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री राम नाथ कोविंद और उपस्थित सभी गणमान्य जन, आप सभी को नमस्कार। हमारा सौभाग्य है कि हमें भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षण के अपने अनुभवों को माननीय राष्ट्रपति महोदय के साथ साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। माननीय महोदय इस बैच में इंजीनियरिंग, कृषि और अन्य जीव विज्ञानों में स्नातक एवं परास्नातक के साथ साथ पीएचडी परीक्षार्थी भी शामिल हैं। माननीय महोदय देश के बहुमूल्य वनों और वन्य जीव संसाधनों की रक्षा तथा संरक्षण का दायित्व भारतीय वन सेवा अधिकारियों के कंधों पर है और वे देश के प्रशासनिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में दिया जाने वाला 16 माह का प्रशिक्षण इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत कक्षा सत्रों, विषय विशेषज्ञों द्वारा अतिथि व्याख्यानों, व्यापक शैक्षिक दौरों, भ्रमण तथा क्षेत्र अभ्यास के श्रेष्ठ संयोजन के माध्यम से परीवीक्षार्थियों में तकनीकी, प्रबंधकीय तथा सामाजिक क्षमता विकसित की जाती है। माननीय महोदय, विशेषज्ञता के समय में विषयगत दक्षता की प्राप्ति परम आवश्यक है। वन संवर्धन, पारिस्थितिकी, वन्य जीव प्रबंधन, वन विधि तथा सामुदायिक वन प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण के द्वारा हम देश की विविध वन संपदा के संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में दक्षता विकसित करने में सक्षम हो पाते हैं। इसी क्रम में अब तक के प्रशिक्षण के दौरान हमें भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हिमालय भूविज्ञान संस्थान एवं वन अनुसंधान संस्थान आदि के विशेषज्ञों से प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिला है। इसके साथ ही तैराकी, घुड़सवारी एवं शस्त्र अभ्यास हेतु हमें भारतीय सैन्य अकादमी में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिला है। हम नियमित रूप से समूह गतिविधियों, भूमिका निर्वहन सत्रों और विभिन्न क्लब गतिविधियों में भी भाग लेते हैं, जिनमें सांस्कृतिक, साहित्यिक, प्रकृति और समकालीन विषय शामिल होते हैं। माननीय महोदय, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा वह नहीं है जो केवल जानकारी देती है, बल्कि वह है जो हमारे जीवन को समस्त अस्तित्वों के साथ सद्भाव में लाती है। मुझे विश्वास है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में हमें प्राप्त होने वाला प्रशिक्षण यह सुनिश्चित करेगा कि हम भारत के विकास को उसके वनों, वन्य जीव और पर्यावरण के संरक्षण के अनुकूल बनाने में सफल हों। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं अपनी साथी सुश्री कार्तिकेनी से अनुरोध करूंगा कि वे भारतीय वन सेवा प्रशिक्षण के अपने अनुभवों को साझा करें। Today is a cherished occasion in the life of every young probationer to have audience with our Honorable President of India. We are extremely privileged and honored to be here, sir. Sir, during the past 7 months in the academy, we are trying to recognize, understand and imbibe the beautiful and mesmerizing repository of nature through our classroom and outdoor activities. Within a month of joining the academy, we had our first glimpse of the forest during week-long introductory tour to the pristine wilderness of Jim Corbett National Park. Traversing and exploring the mighty salt forest in that tiger land was for us a transformation from tourist into a forester. During our tours, from hot desert of Thar to that of cold Ladakh in Trans-Himalayas, we could witness plethora of biodiversity in this so-called barren and sterile landscape and could appreciate the significance of geographical and biological linkages called ecosystem. In academic volumes, we read that forest provides us with invaluable ecosystem services
And truly so, on our visit to Shimla, we realized the intricate relation between forest and water by observing the provisioning of drinking water from the pristine forest of Shimla. During these tours, we met our frontline staff, most of whom are unsung heroes who are contributing their best in undertaking afforestation, managing wildlife, and protecting the precious natural resources. During interaction with them, we realize and remind ourselves that foresters are essentially the custodians of country's life support system. We are all gearing up to take up the responsibility of being the custodians of our country's rich natural heritage. Today, as we stand before you, we promise to serve our country with utmost dedication, diligence, and commitment. Thank you. Jai Hind.